हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आधा ज्ञान पॉडकास्ट। आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ओपन माइंडेड लोगों के लिए, क्योंकि आज हम एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आई सेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉट एवरेज। ओके ब्रो, क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? यू आर अलोन ब्रो, दैट आई नो। ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, अगले एपिसोड में मिलते हैं। बट एनीवेज, पॉइंट इज, तुझे क्या लगता है, Is there life beyond planet Earth? Yes, यार, I do believe there might be life beyond Earth. हम लोग पहले एपिसोड में कितनी बार बात कर चुके हैं मल्टीवर्स की, कुछ की गैलेक्सीज की बात कर चुके हैं। राइट, what forces us to not believe that हम जैसे कोई और एक गैलेक्सी भी होगी जहाँ पे कोई और प्लैनेट होगा लाइफ गिविंग, लाइफ बियरिंग, एंड उसमें कुछ हो सकता है। एंड चल, एक और प्लैनेट तो बहुत दूर की बात होगी, मे बी हमारा जो नियरेस्ट प्लैनेट है जहाँ जहाँ केपेबल है लोग होने के, जैसे कि वीनस या मार्स, इनमें हो सकता है कुछ हो। ओके, तो मुझे एक चीज क्लियर करनी है, लाइफ बियॉन्ड अर्थ का मीनिंग ना बहुत सिंपल है, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ओके, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाते हैं, बिकॉज दे थिंक देयर इज एन एडवांस सिविलाइजेशन आउट देयर, जहां पे क्या कहते हैं, लिटिल ग्रीन एलियंस है, दे हैव डेथ स्टार, यूएफओ, एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स एंड वेपन्स। ठीक है, लाइफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रेन एलियंस नहीं, लाइफ का मतलब प्लांट्स, फिश, बैक्टीरिया, लाइक या एग्जैक्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सभी चीजें भी अगर हमें मिलती है तो हम बोलेंगे कि हमें एलियन लाइफ फॉर्म मिली है। इनफैक्ट जैसा कि तूने ही बोला प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारे अगर हम सोलर सिस्टम की भी बात करें तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमको बहुत अलग अलग किस्म के एलियन लाइफ फॉर्म्स मिल जाएं। एलियन लाइफ फॉर्म्स माइक्रोस्कोपिक साइज में, वीनस के क्लाउड्स में, मार्स में, या फिर यूरोपा के ओशंस में। यूरोपा इज मून ऑफ जुपिटर। यस यस यस। तो इनफैक्ट 2025 में नासा एक मिशन भी भेज रहा है, यूरोपा का फ्लाई बाय मिशन है वो, वाटर सैंपल, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या कलेक्ट करेगा, बट वो सैंपल वापस लाएगा और सैंपल हमें बता देगा कि यूरोपा के ओशंस में लाइफ है या नहीं है। Oh, wow, really? It is very close. So, give me a percentage. Like, तुझे क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस है कि लाइफ बियॉन्ड प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट करती है? अगर तू स्पेसिफिकली उस मिशन के बारे में बात कर रही है, नो, और कोई रीजनिंग? व्हाई नॉट, ठीक है, हम लोग जो है इस प्लैनेट पे रहते हैं बिकॉज टेम्परेचर्स आर फेवरेबल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। राइट, ठीक है, तो बाकी जगह टेम्परेचर डिफरेंस है, मे बी देर इज सम अदर ऑर्गेनिज्म जो वहां पे जिंदा है, एंड डेफिनेटली जो हमने बोला, ठीक है, अब एक टर्म पे आते हैं एलियन के बारे में, व्हाट डज एलियन एग्जैक्टली मीन? इट मींस दैट समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द environment and surroundings, right? Alien can be anything. कोई भी चीज बाहर हो वो एलियन है हमारे लिए ना। Yeah, true. तो simply कोई भी micro organism भी हो सकता है, single cellular, तो भी alien हो यार। Right. तो life तो है, I'm for sure life है यार। और मेरे according भी 100% chances है कि life exists करती है beyond planet earth because of several reasons. और first reason है, and that reason is one of the most important in my opinion. And it may sound philosophical at first, but it is not, trust me. और वो reason है, life wants to exist. Yes. Okay, because life forms can be very stubborn, can be very tough and very adaptable. तूने कभी extremophiles के बारे में सुना है? नहीं, never heard the term before. Okay, तो extremophiles वो organisms हैं जो कि survive कर सकते हैं बहुत ज़्यादा extreme environments में. And I'm not talking about penguins of Antarctica. Yeah, cockroach. No, I'm not talking about cockroach. तो basically क्या है कि extremophiles are like microscopic hulk. They are incredible. They are almost indestructible. They are too OP. And green? हाँ? Green? Green, yeah, sure. Some are green. तो extremophile का एक सबसे famous example है tardigrade. Okay, तो tardigrade, तू जो alien terms से बात कर रहा है? ना, तो मैं बताता हूँ, tardigrades are microscopic animal, not bacteria. What? Seriously? Yeah, microscopic animal. और वो decades तक बिना खाए और बिना पिए रह सकते हैं, वो extreme temperatures में, extreme प्रेशर्स में जिंदा रह सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, टार्डिग्रेड्स आर 1000 टाइम्स मोर रेसिस्टेंट टू रेडिएशन एज कंपेयर टू अदर लाइफ फॉर्म्स। वाओ, मतलब अगर कुछ भी हो गया, ओजोन लेयर भी खराब होगी तो वो मतलब जिंदा है। इनफैक्ट 2007 में टार्डिग्रेड्स को एक फील्ड ट्रिप में भेजा था हम ह्यूमंस ने स्पेस में। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? और जस्ट बिकॉज वो माइक्रोस्कोपिक साइज में, तो हम उनके लिए स्पेस सूट नहीं बिल्ड कर पाए, तो हमने उनको नंगा ही भेज दिया लाइक सनबाथ लेने। ठीक है, हम सनबाथ तो लाइक फेक लेते, नकली देते, वो एक्चुअल में 10 दिन तक असली में सनबाथ लेकर आए, और जब वो वापस आए, most of them were still alive. Wow. Making tardigrades the first known animal to survive exposure to outer space. Okay. And there is another extremophile called D. Radiodurans. D. Radiodurans lives inside nuclear reactors. उसे किसी ने बसेरा नहीं दिया तो उसने न्यूक्लियर रिएक्टर को अपना घर बना दिया। Yeah. It is the most, I think so,
रेडिएशन रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म एवर. क्या बात कर रहा है, सीरियसली? सीरियसली, आई टोल्ड यू माइक्रोस्कोपिक हल्के इस वजह से ही है. तो भाई एक्सट्रीमोफाइल मेन रीजन है कि मैं मान ही नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ में एग्जिस्ट कर सकती है लाइफ, बिकॉज लाइफ वॉन्ट्स टू एग्जिस्ट. लाइफ इज सो अडेप्टेबल. अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रह सकता है, वो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है. And to be honest, अगर आप एवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो, तो why can't you believe कि लाइफ बियॉन्ड अर्थ एग्जिस्ट कर सकती है? Right, क्योंकि एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है, एक्सपेरिमेंट्स रन हो रहे हैं, एंड अडैप्ट. राइट, हाँ. और क्यों नहीं, आप क्यों नहीं मान सकते अगर इस टेम्परेचर पे कोई नहीं जिंदा है, तो हो सकता है वहां के टेम्परेचर पे जिंदा हो जाए. राइट. सेकंड रीजन मेरे अकॉर्डिंगली लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के बियॉन्ड, एंड सेकंड रीजन है वास्टनेस ऑफ स्पेस. लाइक स्पेस इज बिग, स्पेस इज ह्यूज. इनफैक्ट क्या कहते हैं, आई थिंक सो सेकंड पॉडकास्ट में मेंशन कर रहा था कि देयर आर अप टू 2 trillion गैलेक्सीज. Yes. तो जब स्पेस इतना बड़ा है, और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि लोगों की लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेस रीजन है कि वो डिसरिगार्ड कर देते हैं इस आइडिया को कि देयर कैन बी लाइफ बियॉन्ड प्लैनेट अर्थ. बिकॉज पीपल नो सो लिटल. ठीक है. और यूनिवर्स को ही छोड़ो, अगर हम सिर्फ सोलर सिस्टम की ही बात करें, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को बेसिक आइडिया भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है. आई हैड पीपल कमेंटिंग मेरे को वीडियो के बाद हमारी फर्स्ट वाली कि हमको ये नहीं पता था कि हमारे आसपास जो बेल्ट्स हैं कॉमेट्स वगैरह की. ओके. So they know so little about our solar system. Right. ठीक है, हमारी गैलेक्सी के बारे में जानना ही बहुत दूर की बात. Right. उसको कवर कर ले फिर दूसरी गैलेक्सी. तो तूने बहुत परफेक्टली बोला, मैं यूनिवर्स के ऊपर आने वाला था, बट यूनिवर्स पे नहीं आते, सोलर सिस्टम की ही बात करते हैं. Yes. तो अगर सोलर सिस्टम की ही बात करें, तो सोलर सिस्टम में यार लोग सुनते हैं, दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि इट्स बिग, क्योंकि सुनते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है चीजें. बट क्या मिलियन क्या बिलियन, वो मीनिंगलेस नंबर्स हैं. ठीक है. और उसका एक रीजन है, मैं रिसेंटली एक गाना सुन रहा था, लाइक वो गाना ना कश्मीर में तो कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की मिट गई, देखो दूर ही सारी. एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई वी ओपन अ पॉडकास्ट एंड नॉट अ म्यूजिक चैनल. ठीक है. तो बेसिकली ये मैं इसलिए लाया बेसिकली कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग इंडिया में 3000 kilometers से भी ज्यादा डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में नहीं गए. लाइक पिक अ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वट एवर, किसी भी डायरेक्शन में आई डोंट थिंक सो 3000 kilometers से ज्यादा मोस्ट ऑफ द पीपल ने ट्रैवल करा हो किसी भी एक सिंगल डायरेक्शन में. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया घूमकर या फिर गए और वहां से वापस आए. ओके. क्योंकि अब मैंने लाइक बात करी कश्मीर एंड कन्याकुमारी, राइट. कश्मीर एंड कन्याकुमारी का डिस्टेंस अगर तुम गूगल करो तो अराउंड 3500 kilometers है. ठीक है. तो 3500 kilometers सुनते हैं जब हमें, और अगर हम लाइक अर्थ से सन के बीच के डिस्टेंस की बात करें, दैट इज 150 million kilometers, 15 crore kilometers. ठीक है. लोग अपनी लाइफ में 3000 kilometers भी नहीं डिस्टेंस लाइक वन गो में ट्रैवल कर रहा है टोटल अपने लाइफ टाइम में, नहीं वन गो में. ठीक है. तो वो 15 crore kilometers कैसे इमेजिन करेंगे? ठीक है. तो मेरे ख्याल से मिलियंस एंड बिलियंस में बात नहीं करते हैं, आज हम एक नई टर्म में बात करेंगे, एंड दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शॉर्ट फॉर्म है AU. ठीक है. तो AU बेसिकली सोलर सिस्टम के डिस्टेंसेस को मेजर करने में मदद करता है. AU इज हाउ मच? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 AU. या दैट इज 15 crore kilometers. ओके. 1 AU, राइट. तो जैसे कि तूने बोला कि काफी लोगों को पता ही नहीं था काइपर बेल्ट वगैरह के बारे में. हाँ. तो मेरे अकॉर्डिंगली मोस्ट लोगों की सोलर सिस्टम की नॉलेज खत्म हो जाती है नेपट्यून पे या फिर ज्यादा ज्यादा प्लूटो पे. प्लूटो, राइट. प्लैनेट लिव्स ऑन फॉरएवर यार. तो अगर हम प्लूटो की बात करें, प्लूटो इज अ डिज्नी कैरेक्टर, मेरे को पता है, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है. ओके. इट्स प्लूटो आई एम टॉकिंग अबाउट. एक्स प्लैनेट. या एक्स प्लैनेट. ओके. तो प्लूटो की अगर हम बात करें तो प्लूटो 40 AU पर है सन से. ओके. इसका 40 AU का मतलब हुआ प्लूटो इज 40 times फर्दर अवे फ्रॉम सन एज कम्पेयर टू द अर्थ. मोस्ट लोगों के लिए प्लूटो पे ही सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है. प्लूटो अब एग्जिस्ट करता है काइपर बेल्ट में. ओके. और काइपर बेल्ट से फर्दर डिस्टेंस, फर्दर जो रीजन है उसका नाम है ऊट क्लाउड. ओके. एंड ऊट क्लाउड इज द मोस्ट डिस्टेंट रीजन ऑफ आर सोलर सिस्टम. ओके. राइट. हमने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी है. ओके. तो ऊट क्लाउड की जो इनर बाउंड्री है ना, वो स्टार्ट ही होती है 2000 AU से, एंड इट कैन स्ट्रेच अप टू 1 lakh AU. और जिसको लोग पूरा का पूरा सोलर सिस्टम समझते आए हैं, दैट इज प्लूटो तक, दैट इज 40 AU. तो अगर तुम कैलकुलेशन करो, मैथ्स करो, तो दैट इज ओनली 0.04% ऑफ द सोलर सिस्टम. लोगों को यही नहीं पता कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है. और वो यू नो इट्स लाइक कि तुम ओशन के बीचों बीच खड़े हो, तुमने एक कप से पानी भरा और उस कप के अंदर झांका, कोई फिश नहीं है, तो तुमने इस कंक्लूजन में आ गए कि पूरे ओशन में फिश एग्जिस्ट नहीं करती. यस. ओके. ब्रिलियंटली पुट. अच्छा सर्कल बनाया. ठीक है. एलियन लाइफ फॉर्म्स के लिए हमने ढूंढा ही कितना आउटर स्पेस में कि हम इस जजमेंट पे आ जाए कि एलियन लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती. एग्जैक्टली. और अभी तक तो इंटरेक्ट भी नहीं करा इन लोगों ने बाहर जाके किसी एक प्लैनेट से या कुछ. राइट. अभी तक तू मून का एग्जांपल ले ले, मून में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री ने कदम रखा है, एंड दैट इज अमेरिका. यस. और यूएसए.
दैट इज बेटर. तो बेसिकली थर्ड रीजन मेरे अकॉर्डिंग है एक्सोप्लैनेट्स. तो एक्सोप्लैनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई सा भी प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है. ओके, एनी प्लैनेट, इट डजंट मैटर कि वो किसी स्टार का चक्कर लगा रहे नहीं लगा रहे, रोग एक्सोप्लैनेट, इट डजंट मैटर, एक्सोप्लैनेट्स. तो अगर हम एक्सोप्लैनेट्स की बात करें तो फर्स्ट कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट जो मिला था हमें वो था 1992 में. तो 1992 से लेके 2022 तक ऑलमोस्ट 5000 एक्सोप्लैनेट्स मिल चुके हैं. 30 ईयर्स के अंदर ये नंबर जीरो से ऑलमोस्ट 5000 हो गए. एंड 30 ईयर्स इज नथिंग इन कॉस्मोलॉजिकल टर्म्स. तो अब क्या है कि एंड अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, सिर्फ और सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अराउंड 300 मिलियन पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स हैं. पोटेंशियली हैबिटेबल अराउंड 300 मिलियन सिर्फ और सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में. तो सिर्फ इतना ही चीज बोलना पोटेंशियली हैबिटेबल डज नॉट रिंग अ बेल सबके दिमाग में कि हाँ मे बी लाइफ है, राइट? तो अब तू इमेजिन कर सकता है. आई डोंट नो यार, मतलब ये तो काफी अच्छा पॉडकास्ट रहा है, मतलब मेरे लिए भी, बिकॉज़ आई गॉट टू नो अबाउट थिंग्स यार इस बारे में. मेरे ख्याल से काइंड ऑफ ना बहुत ज्यादा आई ओपनिंग था. एक और चीज बताता हूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम की बात करें, क्या कहते हैं 1 लाख AU बोला, तो 1 लाख AU को अगर तुम्हें लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है तो इट इज ऑलमोस्ट 1 लाइट ईयर बस. No, it is almost 2 light years actually. That is bus. मतलब like light years में देखा जाए तो it's just 2 light years, but still that is so impressive. कि हमारा सोलर सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा है कि हमको पता ही नहीं इसके बारे में कुछ. हम इतने ज्यादा अभी पिछड़ी सिविलाइजेशन है और हम इस कंक्लूजन में आ जाते हैं कि वी आर इंटेलिजेंट एंड वी आर द ओनली वन इन दिस यूनिवर्स. यार एक बंदा था फिजिसिस्ट, एक बंदा था, राइट, ऐसी गली का कोई मिल गया किसी ने, ऐसे ही तुमको तुमको ज्ञान बांट दिया. क्या ज्ञान बांटा जरा बताना. उसका नाम था फर्मी. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट फर्मी पैराडॉक्स. ओके, गो अहेड. अगर तेरे को पता है तो फिर मैं बताऊं क्यों. नहीं, कम ऑन, व्हाई इज दैट अ पैराडॉक्स? बिकॉज़ ही रैंडमली यू नो आस्क्ड क्वेश्चंस, सोचना शुरू करा कि व्हाई लाइफ बियॉन्ड अर्थ कुड एग्जिस्ट, राइट? ठीक है, एंड व्हाइल ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट ही केम टू अ पैराडॉक्स. सो ही सेड कि हां, लाइफ बियॉन्ड अर्थ एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग कितने ही साल पुराने हैं. ठीक है, हो सकता है हमसे कोई बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन के समय उतना ही आगे हो हमसे. बट देन द अल्टीमेट क्वेश्चन दैट हिट हिम एंड हिट अदर्स एज वेल, क्योंकि वो लोग इतने मतलब डेवलप्ड हैं, सब कुछ हैं, तो व्हाई डोंट दे विजिट अस, राइट? आई वाज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन. ही रेज्ड सो मेनी क्वेश्चंस. तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबसे पहले सिविलाइजेशन है? मैं क्विकली लाइक सम अप करना चाहता हूँ फर्मी पैराडॉक्स को. तो बेसिकली फर्मी पैराडॉक्स यही बोलता है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ हार्डली 10,000 ईयर्स का भी हेड स्टार्ट मिला हो, तो सिविलाइजेशन कहाँ है? उसका सिग्नेचर हमें क्यों नहीं दिखता यूनिवर्स में? ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या हम लोग लिटरली सबसे पहले, आर वी द फर्स्ट? राइट. तो मेरे ख्याल से आज के लिए हमें यही पे खत्म करना चाहिए, क्योंकि फर्मी पैराडॉक्स के बारे में अगर हम बात करने लगे तो भाई वी विल नीड अनदर पॉडकास्ट. दिस इज अ लाइव शो. या एग्जैक्टली. तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही. एंड आई ट्रूली होप हमने मदद करी है लोगों का पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करने में रिगार्डिंग आर प्लेस इन द यूनिवर्स. एंड आई जस्ट वांट टू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज इन फ्यूचर एपिसोड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैन जेम्स वेब डिटेक्ट एलियन लाइफ, एंड वी विल ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट UFO एट सम पॉइंट एंड हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आई एम. Yeah, definitely. Okay, and finally, I want to end this podcast with a quote by Arthur C. Clarke. So it goes like this: two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. You are alone, so I know it's terrifying for you, but okay. Thanks for being here. Yeah, last episode. Peace. He's just kidding. Okay, no, guys. No. I'm going to jump from somewhere else now. Yes, please tune in for our next episode, okay? Thank you for joining, guys. Peace out.